ह्यूमन बॉडी मेनली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को एज एनर्जी यूज करता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमको तुरंत एनर्जी देता है और फैट्स हमको एक सस्टेनेबल एनर्जी देता है, लेकिन इनको डाइजेस्ट करने के समय बॉडी का हार्मोनल रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं रहता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट करते हो तो कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होकर शुगर होता है, देन शुगर टू ग्लूकोज, तो उस ब्लड शुगर को सेल्स तक पहुँचाने के लिए इंसुलिन हार्मोन बढ़ता है ताकि ग्लूकोज को हम सेल्स तक पहुंचा सके। और कार्बोहाइड्रेट्स को एज एनर्जी पहले यूज किया जाता है क्योंकि टू मच ब्लड शुगर इज टॉक्सिक फॉर योर ऑर्गन्स एंड ब्रेन। इसीलिए कोई कोई लोग सोचते हैं विदाउट कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग द पिक्चर दैट कार्बोहाइड्रेट्स इज द प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। You know, modern humans eat a lot of carbohydrates. Therefore, you know, a lot of blood sugar comes into our system. तो उस ब्लड शुगर को टैकल करने के लिए यू नो इंसुलिन लेवल्स बढ़ता है ताकि उस ब्लड शुगर को जल्दी जल्दी सेल्स तक पहुंचाया जा सके। ऑन द अदर हैंड फैट्स इंसुलिन को स्पाइक नहीं करता। फैट्स डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड्स होता है तो वो ब्लड स्ट्रीम में विदाउट स्पाइकिंग इंसुलिन वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। और फैट्स यू नो हमको सस्टेन एनर्जी देता है, यू नो एनर्जी क्रैश नहीं होता है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि दिस इज प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दिस इज नॉट प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। दोनों का काम अलग है। इवन बहुत स्टडीज हुआ है, जो लोग लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट करते हैं उनका ब्रेन फंक्शंस इंप्रूव हुआ है, उनका ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जो BDNF होता है वो भी इम्प्रूव हुआ है, जिससे कॉग्निटिव फंक्शंस यू नो इम्प्रूव होता है बॉडी का। इवन बहुत स्टडीज हुआ है कि पीपल हु लैक डाइटरी फैट्स उनका हार्मोनल प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं रहता है, उनका स्ट्रेंथ एंड यू नो इवन सेक्सुअल हेल्थ भी डिक्रीज्ड होता है और उनको बार बार खाना पड़ता है क्योंकि दे जस्ट यूज कार्ब्स फॉर एनर्जी। उनका यू नो बॉडी का मेटाबॉलिज्म फ्लेक्सिबल नहीं रहता है क्योंकि उनको सिर्फ कार्ब्स ही मिल रहा है फॉर एनर्जी, क्योंकि देयर इज टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, वन इज शुगर बर्निंग मेटाबॉलिज्म, वन इज फैट बर्निंग मेटाबॉलिज्म। अगर डाइट्स में फैट्स नहीं रहेगा तो यू नो फैट बर्निंग मेटाबॉलिज्म हम यू नो अच्छे से एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे।